हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर वसीम आई खान, असिस्टेंट प्रोफेसर श्री शिवाजी लॉ कॉलेज परभणी, महाराष्ट्र, इंडिया। सो टुडे वी विल डिस्कस अ न्यू चैप्टर ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, दैट इज अटेंडेंस ऑफ अ पर्सन कन्फाइंड इन प्रिजन, कन्फाइंड और डिटेन्ड इन प्रिजन। सो सेक्शन 266 टू सेक्शन 271 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड वी विल डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, सेक्शन 266 से लेकर सेक्शन 271 तक डिस्कस करेंगे। अगर कोई पर्सन जेल में डिटेन किया हुआ है या जेल में रखा हुआ है, वो कन्फाइन किया हुआ है, उसकी अगर कोर्ट में अटेंडेंस रिक्वायर्ड है तो क्या प्रोसेस रहेगा, आज हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे इन सेक्शंस पर पूछे गए क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनर इन सेक्शंस पर पूछ सकता है। Attendance of person confined or detained in prisons. So definition, section 266 is mentioned that in this chapter, detained include detained under any law providing for preventive detention. So this chapter mein detain ka matlab ye hai ki include detained under any law providing for preventive detention. तो डिटेन का मतलब डिटेन है, कोई भी लॉ में जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है, किसी चीज को रोकने के लिए अगर किसी पर्सन को बंदी बना के रखा जा रहा है, प्रिवेंटिव एक्शन में किसी को डिटेन करके रखा जा रहा है, तो वो भी डिटेंशन में ही आएगा। देन प्रिजन इंक्लूड्स एनी प्लेस विच हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर टू बी अ सबसिडियरी जेल। तो जो जेल बोल के स्टेट गवर्नमेंट ने जनरल स्पेशल ऑर्डर से डिक्लेयर किया हुआ है, तो वो प्रिजन के डेफिनेशन में आएगा। एनी रिफॉर्मेटरी बोस्टल इंस्टीट्यूशन और इंस्टीट्यूशन ऑफ अ लाइक नेचर। तो रिफॉर्मेटरी अगर इंस्टीट्यूशन है, बोस्टल इंस्टीट्यूशन है, तो ये भी प्रिजन के डेफिनेशन में आएंगे। नाउ सेक्शन 267 इज देयर पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ प्रिजनर, पावर टू रिक्वायर attendance of prisoners. So whenever in the course of an inquiry, trial or proceeding under this code, it appears to a criminal court. So agar for example, whenever the in the course of inquiry, trial or proceeding under this code, it appears to a criminal court that a person confined or detained in a prison should be brought before the court for answering to a charge of an offense or for the purpose of any proceeding against him. Suppose in the inquiry, in the trial proceeding before proceeding under this code, if the criminal court feels that a person confined or detained in a prison should be brought before the court for the purpose of answering to the charges of an offense and for the purpose of any proceeding against him. So agar for example कोर्ट को इंक्वायरी या ट्रायल में क्रिमिनल कोर्ट को ऐसा लगता है कि जो पर्सन जेल में कन्फाइन किया हुआ है, जेल में डिटेन किया हुआ है, जेल में बंद है, उसको कोर्ट में लाना चाहिए, उसको कोर्ट में लाना चाहिए काय के लिए, चार्ज को आंसर करने के लिए, फॉर आंसरिंग टू अ चार्ज ऑफ एन ऑफेंस, उसके अगेंस्ट में जो चार्जेस लगे वाले हैं उसका जवाब देने के लिए उसको कोर्ट में लाना चाहिए, और फॉर द पर्पस ऑफ एनी प्रोसीडिंग अगेंस्ट हिम, या और कोई प्रोसीडिंग उसके अगेंस्ट में है उसका जवाब देने के लिए उसको कोर्ट में लाना चाहिए, अगर कोर्ट को ऐसा लगता है। दैट इट इज नेसेसरी फॉर द एंड ऑफ जस्टिस टू एग्जामाइन सच अ पर्सन एज अ विटनेस, और अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि वो जो पर्सन है जो जेल में बंद है उसको एज अ विटनेस एग्जामाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है जस्टिस के लिए, फॉर द एंड ऑफ जस्टिस उसको एज अ विटनेस एग्जामाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है जो जेल में बंद है, तो सिचुएशन में क्या होगा, द कोर्ट मे मेक एन ऑर्डर रिक्वायरिंग द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द प्रिजन टू प्रोड्यूस सच पर्सन बिफोर द कोर्ट आंसरिंग टू द चार्ज और फॉर द पर्पज ऑफ सच प्रोसीडिंग और एज द केस मे बी फॉर गिविंग एविडेंस। तो कोर्ट क्या करेगा, जब किसी भी अक्यूज्ड जो जेल में बंद है उसका अगर कोर्ट में चार्ज के आंसर देने के लिए उसकी प्रेजेंसी जरूरी है, या और कोई केस में अगर उसकी प्रेजेंसी जरूरी है, या एज अ विटनेस उसको एग्जामाइन करना जरूरी है, तो कोर्ट क्या करेगा, एक ऑर्डर पास करेगा
किसके अगेंस्ट में? ऑफिसर इनचार्ज ऑफ प्रिजन को एक ऑर्डर देगा और उसको ऑर्डर देकर ये कहेगा कि प्रोड्यूस सच पर्सन बिफोर द कोर्ट, कि वो जो पर्सन जो जेल में बंद है उसको कोर्ट में लाया जाए, काय के लिए? फॉर एंसरिंग द चार्ज, उसके अगेंस्ट में जो चार्जेस लगाए गए हैं उसका जवाब देने के लिए, या कोई और प्रोसीडिंग के लिए, या एज अ विटनेस गवाही देने के लिए उसको कोर्ट में लाया जाए। तो कोर्ट को ये पावर है कि जो पर्टिकुलर पर्सन अगर जेल में है तो कोर्ट उसको कोर्ट में बुला सकता है। वेयर एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन वन इज मेड बाय अ मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, इट शैल नॉट बी फॉरवर्डेड टू और एक्टेड अपॉन बाय द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द प्रिजन अनलेस इट इज कॉन्ट्रासाइंड बाय द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट टू हूम सच मैजिस्ट्रेट इज सबॉर्डिनेट। सो व्हेनेवर सच ऑर्डर इज पास्ड बाय द मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास एंड इट शैल नॉट बी फॉरवर्डेड टू और एक्टेड अपॉन बाय द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ प्रिजन अनलेस इट इज कॉन्ट्रासाइंड बाय द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। तो अगर फॉर एग्जाम्पल वो अक्यूज्ड को कोर्ट में बुलाने का अगर ऑर्डर मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास पास करता है तो उस सिचुएशन में जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ प्रिजन है, जो प्रिजन का जेल का ऑफिसर इंचार्ज है, तो वो अक्यूज्ड को प्रोड्यूस नहीं करेगा। कब तक नहीं? जब तक वो ऑर्डर पे चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के काउंटर साइन ना रहे जिसके सबॉर्डिनेट में वो मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास है। तो मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास अगर ऑर्डर पास करता है अक्यूज्ड को कोर्ट में प्रेजेंट करने का, तो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस ऑफिसर इंचार्ज ऑफ प्रिजन कब तक प्रोड्यूस नहीं करेगा? जब तक वो ऑर्डर पे सीजेएम के चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के काउंटर साइन ना हो जाए तब तक। Then every order submitted for counter signing under subsection 2 shall be accompanied by a statement of the fact which in the opinion of the magistrate render the order necessary and the chief judicial magistrate to whom it is submitted may after considering such a statement decline to countersign the order। जब कभी भी magistrate of second class CJM के पास counter sign के लिए order भेजेगा तो वो ऑर्डर के साथ साथ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को रीजन भी देना पड़ेगा कि व्हाई दिस पर्टिकुलर ऑर्डर इज नेसेसरी, ये ऑर्डर क्यों जरूरी है। तो वो रीजन को देखकर सीजेएम चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट उसके काउंटर साइन को वो डिक्लाइन भी कर सकता है, वो ये कहेगा कि मैं इस पर काउंटर साइन नहीं करूंगा। 267 सो देयर इज वन केस, भारती सचदेवा वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान। A person detained in a jail in Indore was brought to Kota under a production for investigation for another offence. तो एक person था जो इंदौर के जेल में था, उसको Kota लाया गया under a production for investigation for another offence. काय के लिए लाया गया? दूसरे offence के investigation के लिए उसको लाया गया। तो पर्सन इंदौर के जेल में बंद था, उसको Kota लाया गया दूसरे offence के investigation के लिए। It was held to be illegal. वो जो लाया गया उसको कोटा में, वो कोर्ट ने इल्लीगल ठहराया। क्यों? एज द प्रोडक्शन वारंट कुड ओनली बी इशूड फॉर इंक्वायरी ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग और फॉर एंसरिंग चार्जेस और फॉर बीइंग एग्जामिन्ड एज विटनेस और नॉट फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ अनदर ऑफेंस। तो ये जो ऑर्डर है कि अक्यूज्ड को जो जेल में बंद है उसको कोर्ट में प्रेजेंट करने का ऑर्डर कब पास किया जाता है? कि अगर इंक्वायरी में अगर अक्यूज्ड की जरूरत है तब उसको, या ट्रायल है या अदर प्रोसीडिंग है या चार्ज का आंसर देना है या एज अ विटनेस है तभी उसको उसके अगेंस्ट में ऑर्डर पास किया जा सकता है और उसको जेल से कोर्ट में प्रेजेंट किया जा सकता है। लेकिन यहां पर इन्वेस्टिगेशन के लिए उसको इंदौर से कोटा लाया गया, तो ये जो इंदौर से कोटा ले जाया गया वो इल्लीगल ठहराया कोर्ट ने। तो सिर्फ इंक्वायरी, ट्रायल, चार्ज का जवाब देना है या एज ए विटनेस उसकी जरूरत है कोर्ट में तभी कोर्ट उसको बुला सकता है, अदरवाइज नॉट। सेक्शन 267। सो प्रोबेबल क्वेश्चन है सेक्शन 267 पे, ऑर्डर ऑफ रिक्विजिशन फॉर अटेंडेंस ऑफ प्रिजनर इशूड बाय जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास शैल बी काउंटरसाइंड बाय जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट। तो हमने ऑलरेडी देखा कि जब कभी भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास ऑर्डर पास करेगा सेक्शन 267 में तो वो ऑर्डर चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का उस पर काउंटर साइन होना जरूरी है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नाउ सेक्शन 268, पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू एक्सक्लूड सर्टेन पर्सन फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ सेक्शन 267। तो स्टेट गवर्नमेंट को पावर है कि वो सेक्शन 267 में जो पर्सन है कि उनको आउट ऑफ ऑपरेशन, है ना,
एक्सक्लूड कैसे किया जाए उनको, ये सेक्शन 268 में, द स्टेट गवर्नमेंट में एट एनी टाइम हैविंग रिगार्ड टू द मैटर स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 2 बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर डायरेक्ट दैट एनी पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन शल नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम द प्रिजन इन विच ही और दे मे बी कन्फाइंड और डिटेन। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकता है कि सबसेक्शन 2 के हिसाब से, सेक्शन 268 का जो सबसेक्शन 2 है उसके हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट ये कह सकता है कि जो पर्सन जेल में बंद है, जो जेल में कन्फाइन किए हुए, डिटेन किए हुए है, उनको वहां से रिमूव नहीं किया जाए, ऐसा स्टेट गवर्नमेंट ऑर्डर पास कर सकता है। एंड देयर अपॉन सो लॉन्ग एज द ऑर्डर रिमेन्स इन फोर्स नो ऑर्डर मेड अंडर सबसेक्शन 267 अंडर सेक्शन 267 वेदर बिफोर और आफ्टर द ऑर्डर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट शैल हैव इफेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन। जब कभी भी स्टेट गवर्नमेंट कोई ऑर्डर पास करेगा कि जो अक्यूज्ड जेल में बंद है उसको वहां से रिमूव नहीं किया जा सकता, तो अगर कोई कोर्ट ऑर्डर करेगा भी सेक्शन 267 में कि उसकी अक्यूज्ड की जरूरत है कोर्ट में, ऐसा ऑर्डर पास करेगा भी, तो वह अक्यूज्ड को जेल से रिमूव नहीं किया जा सकता क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का ऐसा ऑर्डर है। बिफोर मेकिंग एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1 द स्टेट गवर्नमेंट शैल हैव रिगार्ड टू द फॉलोइंग मैटर्स। तो जब कभी भी स्टेट गवर्नमेंट ऐसा ऑर्डर पास करेगा कि वो अक्यूज्ड को रिमूव नहीं किया जाए, ये ऑर्डर पास करने के पहले कुछ चीजें स्टेट गवर्नमेंट कंसिडर करेगा। द फर्स्ट वन इज द नेचर ऑफ द ऑफेंस फॉर विच और द ग्राउंड्स ऑन विच द पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन हैव बीन ऑर्डर्ड टू बी कन्फाइंड और डिटेन इन अ प्रिजन। तो स्टेट गवर्नमेंट जब कभी भी ये ऑर्डर पास करेगा कि अक्यूज्ड को रिमूव नहीं किया जाए, ये ऑर्डर पास करने के पहले स्टेट गवर्नमेंट देखेगा कि नेचर ऑफ द ऑफेंस, कि वो अक्यूज्ड जिसको जेल में बंद किया गया है उसने कौन सा ऑफेंस किया है, और द grounds on which the person or class of person has been ordered to be confined, और किस ग्राउंड पे उस accused person को जेल में बंद किया गया है, उसने offence कौन सा किया है और किस ground पे उसको जेल में बंद किया गया है, state government पहले ये देखेगा order pass करने के पहले। Then B, the likelihood of the disturbance of public order if the person or class of person is allowed to be removed from the prison. State government ये भी देखेगा order pass करने के पहले कि अगर इसको जेल से बाहर निकाला गया accused को तो public का peace disturb हो सकता है क्या, यानी particular class of person disturb हो सकता है क्या, ये भी देखेगा। कि बहुत सी बार ऐसा होता है कोई serious offence करके अगर कोई person जेल में गया है, उसको जेल में डिटेन करके रखा गया है, जब बाहर निकलेगा तो जिसके अगेंस्ट में ऑफेंस किया है उनकी भावनाओं को तकलीफ हो सकती है, पब्लिक पीस डिस्टर्ब हो सकता है, अगर ऐसा स्टेट गवर्नमेंट को लगा तो स्टेट गवर्नमेंट ऑर्डर पास करेगा कि वो अक्यूज्ड को वहां से रिमूव नहीं किया जाए। सी द पब्लिक इंटरेस्ट, जनरली पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए स्टेट गवर्नमेंट ऑर्डर पास करेगा। सेक्शन 269, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ प्रिजन टू अब्स्टेन फ्रॉम कैरिंग आउट ऑर्डर इन सर्टेन कंटिंजेंसीज। तो वेयर द पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुम एन ऑर्डर इज मेड अंडर सेक्शन 267, तो ऐसा पर्सन जिसके अगेंस्ट में सेक्शन 267 में कोर्ट ने ऑर्डर पास किया कि ये अक्यूज्ड को कोर्ट में लाया जाए, ऐसा ऑर्डर अगर आता है तो इज बाय रीजन ऑफ सिकनेस और इन्फर्मिटी अनफिट टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द प्रिजन। अगर वो अक्यूज्ड पर्सन जो जेल में है वो अनफिट है, एक तो वो फिजिकली इन्फर्म है, फिजिकली अनफिट है, या वो बीमार है और उसको प्रिजन से रिमूव नहीं कर सकते, प्रिजन से उसको बाहर नहीं लेकर जा सकते, अनफिट है वो बाहर लेके जाने के लिए, एक चीज। दूसरा, इज अंडर कमिटल और ट्रायल और अंडर रिमांड पेंडिंग ट्रायल और पेंडिंग अ प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, और जिसके अगेंस्ट में सपोज अक्यूज ऐसा है कि जिसकी कमिटल प्रोसीडिंग चल रही है, वो ट्रांसफर हो रहा है लोअर कोर्ट से सेशन कोर्ट के पास ट्रायल के लिए, और वो रिमांड है उसकी पेंडिंग रिमांड है ना, या प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन उस अक्यूज के अगेंस्ट में पेंडिंग है, तो इस सिचुएशन में भी क्या करेगा। और थर्ड वन इज इन कस्टडी फॉर अ पीरियड विच वुड एक्सपायर बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लाइंग विद द ऑर्डर एंड फॉर टेकिंग हिम बैक टू द प्रिजन इन विच ही इज कन्फाइंड और डिटेन। तो तीसरी चीज ये है कि वो कस्टडी में है उस पीरियड के लिए, कि वो जो अक्यूज है वो कस्टडी में है कितने पीरियड के लिए, कि वो पीरियड एक्सपायर हो जाएगा कब तक, कि जिस पीरियड में फॉर एग्जाम्पल वो अक्यूज को जेल से ले जाकर
कोर्ट में पेश करेंगे और वहां से वापस जेल लाएंगे। जितना टाइम लगेगा उतने टाइम में उसकी कस्टडी का पीरियड एक्सपायर हो जाएगा। अगर ऐसा लगता है तो ये तीनों सिचुएशन में, और चौथी सिचुएशन ये है, इज अ पर्सन टू हुम एन ऑर्डर मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 268 अप्लाइज, और ऐसा पर्सन कि जिसके अगेंस्ट में स्टेट गवर्नमेंट ने सेक्शन 268 में ऑर्डर पास किया है। ये सारे कंडीशन में पर्सन क्या करेगा, द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द प्रिजन शल अब्स्टेन फ्रॉम कैरिंग आउट द कोर्ट्स ऑर्डर एंड शल सेंड टू द कोर्ट अ स्टेटमेंट ऑफ रीजन फॉर सो अब्स्टेनिंग। तो क्या करेगा कि फॉर एग्जांपल ऑफिसर इन चार्ज ऑफ प्रिजन के पास किसी कोर्ट का ऑर्डर आता है कि अक्यूज्ड को कोर्ट में लाया जाए, तो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ प्रिजन क्या बोल सकता है कि नहीं, हम इस अक्यूज्ड को कोर्ट में नहीं ला सकते। क्यों? क्योंकि वो बीमार है। क्यों? क्योंकि वो फॉर एग्जाम्पल कि उसकी कमिटल प्रोसीडिंग चल रही है ना, उसका ट्रांसफर चल रहा है, या उसकी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन उसके अगेंस्ट में पेंडिंग है। ऐसा पर्सन है कि फॉर एग्जाम्पल उसका जो कस्टडी का पीरियड है वो कस्टडी का पीरियड एक्सपायर हो जाएगा अगर कोर्ट में लेकर आएंगे उसको, या चौथा जिसके अगेंस्ट में स्टेट गवर्नमेंट का ऑर्डर है, ऐसा रीजन बताकर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ प्रिजन जो कोर्ट का ऑर्डर है उसको पेश करने का अक्यूज्ड को, वो ऑर्डर को अब्सटेन कर सकता है, उसको नकार सकता है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ प्रिजन रीजन मेंशन करके, प्रोवाइडेड दैट वेयर द अटेंडेंस ऑफ सच पर्सन इज रिक्वायर्ड फॉर गिविंग एविडेंस एट अ प्लेस नॉट मोर देन 25 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द प्रिजन, द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द प्रिजन शल नॉट सो अब्सटेन फॉर द रीजन मेंशन इन क्लॉज बी। जो क्लॉज बी में रीजन मेंशन किया हुआ है कि उसकी कमिटल प्रोसीडिंग चल रही है या उसका प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन उसके अगेंस्ट में पेंडिंग है, अगर फॉर एग्जांपल के जो अक्यूज्ड जो कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है और वो जो प्रिजन है, वो प्रिजन और जो कोर्ट जिसमें उसको पेश किया जाना है, अगर दोनों का डिस्टेंस 25 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है, 25 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है, तो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन इस रीजन पे ऑर्डर को नकार नहीं सकता कि उसकी कमिटल प्रोसीडिंग चल रही है या उसकी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन उसके अगेंस्ट में पेंडिंग है। इस रीजन के चलते वो नकार नहीं दे सकता, 25 किलोमीटर के अंदर है तो उस अक्यूज्ड को वहां पर प्रेजेंट करना पड़ेगा, अक्यूज्ड को रिमूव करना पड़ेगा प्रिजन से। सेक्शन 270, प्रिजनर टू बी ब्रॉट टू कोर्ट इन कस्टडी subject to the provision of section 269, the officer in charge of the prison shall upon delivery of an order made under subsection 1 of section 267 and duly countersigned where necessary under subsection 2 thereof, cause the person named in the order to be taken to the court in which his attendance is required so as to present there at the time mentioned in the order. To kya hoga ki agar for example subject to the provision of section 269 the officer in charge of the prison shall upon delivery of an order, तो officer in charge of police station के पास अगर order आता है जिसमें ये कहा जाता है कि जो accused आपके जेल में है उसको ये court में पेश किया जाए, तो क्या करेगा वो officer in charge of prison, cause the person named in the order to be taken to the court in which his attendance is required so as to present there at the time mentioned in the order, तो उसको क्या करेगा, वो पर्सन को जिस अक्यूज्ड के नाम से ऑर्डर आया है उसको उस कोर्ट में लेकर जाएगा, वहां पर पेश करेगा, एंड शल कॉज हिम टू बी केप्ट इन कस्टडी इन और नियर द कोर्ट अंटिल ही हैज बीन एग्जामाइंड और अंटिल द कोर्ट अथोराइजेस हिम टू बी टेकन बैक टू द प्रिजन इन विच ही वॉज कन्फाइंड और डिटेन। तो उसको लेकर जाएगा ऑफिसर इंचार्ज ऑफ प्रिजन उस कोर्ट में, और एंड शल कॉज हिम टू बी केप्ट इन कस्टडी इन और नियर द कोर्ट, और उसको कोर्ट में ही या कोर्ट के नजदीक ही उसको कस्टडी में रखा जाएगा, कब तक, अंटिल ही हैज बीन एग्जामाइंड, जब तक उस अक्यूज का एग्जामिनेशन न हो जाए और जब तक वो कोर्ट कोर्ट अथोराइज ना कर दे कि भाई ये जो अक्यूज है तुम इसको वापिस से जेल में लेकर जाओ, तब तक वो कोर्ट के कस्टडी में रहेगा या कोर्ट के नियर बाय वो कस्टडी में रहेगा अक्यूज्ड पर्सन। सेक्शन 271, पावर टू इशू कमीशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस इन प्रिजन, द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर शैल बी विदाउट प्रिजुडाइज टू द पावर ऑफ द कोर्ट टू इशू अंडर सेक्शन 284 अ कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन एज अ विटनेस ऑफ एनी पर्सन कन्फाइंड और डिटेन इन अ प्रिजन, एंड द प्रोविजन ऑफ पार्ट बी ऑफ चैप्टर 23 shall apply in relation to the examination on commission of any
such person in the prison as they apply in relation to the examination on commission of any other person. तो in short अगर हम section 271 को देखें, जब कभी भी for example कोई accused है जो जेल में है जिसका examination जरूरी है as a witness, तो सिचुएशन में कोर्ट क्या कर सकता है, कोर्ट एक कमीशन को भी अपॉइंट कर सकता है और वो कमीशन जेल में जाकर उस विटनेस का एग्जामिनेशन कर सकता है और वो रिपोर्ट लाकर वो कोर्ट में सबमिट करेगा. दैट प्रोविजन इज मेंशन अंडर सेक्शन 271. सो हियर वी हैव कंक्लूडेड द टॉपिक. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. इफ यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, hit the notification button, hit the like button and share this video with your friends. Thank you. Thank you very much.